लुप्त हो रही विधाओं को उभारने के लिए खूब मेहनत कर रहे हैं पद्मश्री बार्ले जी। आपको बता दें कि इनका कहना है कि मेहनत सफलता का मूल मंत्र है। पंथी नृत्य के कलाकार पद्मश्री राधेश्याम बार्ले ने हाल ही में संपन्न हुए राजीव मांझी पुन्नी मेला में शानदार प्रस्तुति दी है। कार्यक्रम समाप्ति के बाद मीडिया सेंटर में चर्चा करते हुए बताया कि 9 वर्ष की उम्र से ही पंथी नृत्य करना सीख लिया था। परिवार में सभी लोग कला से जुड़े हुए हैं। वे पिताजी समारू राम बार्ले को अपना गुरु मानते हैं। आपको बता दें कि नवंबर 2021 में राष्ट्रपति के हाथों पद्मश्री का खिताब मिला है। उन्होंने बताया कि अभी तक हिंदुस्तान के कोने कोने में प्रस्तुति दे चुके हैं। पिछले 29 वर्षों से पंथी के कलाकारों को आगे बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण शिविर भी चला रहे हैं। चिकारा, खड़े साज, खंजेरी आदि लुप्त विधाओं पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करते हैं। बताया कि गुरु घासीदास बाबा के महिमा का गुणगान पंथी नृत्य एवं गीतों के माध्यम से किया जाता है। महापुरुष किसी एक विशेष जाति एवं समुदाय के लिए नहीं होते, बल्कि उनके बताए मार्ग पर चलकर सभी समुदाय के लिए अपने जीवन को सफल बनाते हैं।